वेरी वेरी वेलकम टू आवर चैनल क्रिकेट लवर। आज हम बात करने वाले हैं महिला जयवर्धने के फुल आईपीएल करियर के बारे में। 2008 में अपना आईपीएल डेब्यूट करते हुए महिला जयवर्धने ने 13 मैचेस में 179 रन बनाए थे, जिसमें उनका हाई स्कोर था 45 नॉट आउट। उन्होंने 15 फोर्स और 7 सिक्सेस हिट किए थे, लेकिन उन्होंने कोई भी 50 या 100 नहीं लगाया था। 2009 में फिर से किंग्स इलेवन पंजाब के लिए महिला जयवर्धने ने 10 मैचेस में 219 रन बनाए थे, जिसमें उनका हाई स्कोर था 52 नॉट आउट। उन्होंने 150 भी लगाया था और 17 फोर्स और 7 सिक्सेस भी हिट किए थे। 2010 में आखिरी बार के लिए किंग्स इलेवन पंजाब के लिए महिला जयवर्धने ने 13 मैचेस में 439 रन बनाए थे, जिसमें उनका हाई स्कोर था 110 नॉट आउट। इन्होंने 100 और 150 लगाया था और 55 फोर्स और 11 सिक्सेस भी हिट किए थे। 2011 में कोची तस्कर्स केरला के लिए महिला जयवर्धने ने 13 मैचेस में 299 रन बनाए थे, जिसमें उनका हाई स्कोर था 76। उन्होंने 350 भी लगाया था और 35 फोर्स और 5 सिक्सेस भी हिट किए थे। 2012 में नई टीम दिल्ली डेयरडेवल्स के लिए महिला जयवर्धने ने 16 मैचेस में 335 रन बनाए थे, जिसमें उनका हाई स्कोर था 56 नॉट आउट। उन्होंने 350 भी लगाया था और 39 फोर्स और 3 सिक्सेस भी हिट किए थे। 2013 में अपना आखिरी आईपीएल सीजन खेलते हुए महिला जयवर्धने ने 15 मैचेस में 331 रन बनाए थे, जिसमें उनका हाई स्कोर था 66। उन्होंने 250 भी लगाया था और 39 फोर्स और 6 सिक्सेस भी हिट किए थे। अगर महिला जयवर्धने के फुल आईपीएल करियर के बारे में बात की जाए तो उन्होंने 80 मैचेस में 1802 रन बनाए थे, जिसमें उनका हाई स्कोर था 110 नॉट आउट। उन्होंने 100 और 350 लगाया था और 200 फोर्स और 39 सिक्सेस भी हिट किए थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर।